कहाँ को? स्कूल डोड़ाखाल। ये देखो ये चले गए हैं स्कूल, ऐसे 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 करके ऊपर, फिर वहां से ऊपर, फिर ऊपर ऊपर। आप लोगों को पता है ये रास्ता कितना दूर है भाई पहाड़ों में। ऑलराइट फैमिली, वेलकम बैक दी अनदर एपिसोड। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं पहाड़ी स्पेशल। तो दोस्तों इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है आधे रास्ते में। आपने पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा, उसमें मैं आया था दिल्ली से और अभी मैं जा रहा हूँ गांव को आधे रास्ते में। और पीछे मेरा एक बैग मेरा छुटकू सा आगे से, और मैं हूँ आधे रास्ते में। और यहाँ से एक बार व्यू देखो यार, मॉर्निंग का देखो भाई साहब, क्या ही मज़ा आता है। देखो पहाड़ों में इसी चीज़ के मतलब यहाँ पैसे हैं, मतलब पैसे मतलब कि यहाँ रहने का पैसा वसूल। ये देखो ये व्यू मिल जाए ना, सब आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। देखो कितना मस्त व्यू है यहाँ से। और मैं अभी जा रहा हूँ गांव की ओर को। कहाँ को? स्कूल डोड़ाखाल। ये देखो ये चले गए हैं स्कूल, ऐसे 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 करके ऊपर, फिर वहाँ से ऊपर, फिर ऊपर ऊपर। आप लोगों को पता है ये रास्ता कितना दूर है भाई पहाड़ों में। स्ट्रगल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिट रहता है बंदा कुल मिला के। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पीड देखो उसकी, वो देखो वहाँ पहुँच गई है। और जो बाहर के लोग आते हैं भाई, चाहे वो हमारी एज के भी होंगे, नहीं चल पाते इतना क्योंकि हैबिट नहीं बनी रहती है ना। तो भाई साहब बढ़िया है, सब मस्त है। अभी चलते हैं फटाफट से घर पे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर आपको आज का शेड्यूल शुरू करते हैं अपना। जो भी होगा ब्लॉग में देखते रहो, बने रहो ब्लॉग। तो गाइस मैं रेडी वगैरह होके आ चुका हूँ वापस से डोड़ाखाल की ओर को जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। और यहाँ पे टैंकी की हालत थोड़ा मुझे डाउन सी लग रही है। और यहाँ पे देखो रास्ता भी मतलब क्रैक जैसा आने लग गया इसमें, कहीं ऐसा ना हो कि पता चला पूरा ये जो रास्ता है टैंकी समेत पूरा नीचे चले जाए, फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर पानी का पानी, टैंकी की टैंकी, दोनों गायब हो जाएंगे। फिर डोड़ा में दोबारा से दिक्कत आ जाएगी पानी की किल्लत। चलो जो भी होगा देखेंगे फिर। और अभी चलते हैं वापस से भाई, यहाँ से चढ़ाई है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको दोबारा कोई अच्छी सी लोकेशन होगी वहाँ पर मिलूँगा। और अभी एक बार आप दोबारा से व्यू चेक करो। बार बार मैं व्यू के ऊपर बातें कर रहा हूँ क्योंकि भाई व्यू ही जो है मेन है भाई पहाड़ में, जो मज़ा आता है ना। देखो ये देखो, अभी जो उस टाइम फॉग लगा था ना इस साइड पे, अभी धूप आ चुकी है प्रॉपर, तो अभी वो गायब हो चुका है। तो हम भी गायब होते हैं फटाफट से यहाँ से, आगे मिलते हैं। बड़े बड़े लौंडे मोंडे खेल रहे हैं रोड में, इनके पास पिच की कमी है ना, सेमीफाइनल का मलाल लग चुका है। अभी इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जीत के ही जाएंगे अगले जो फाइनल अगले सीजन आएगा ना। देखो अभी से प्रैक्टिस चल रही है ऑन रोड। चलो इनको साइड रख के अभी चलते हैं हम अपनी लोकेशन के लिए, क्योंकि हमको जाने में हो रही है लेट थोड़ा, तो दूर जाना है थोड़ा, भी आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। आप बताओ कितने का तेल खाया होगा इसने दिल्ली से? 2000 में मात। आप बताओ सर, गोले डायलॉग मार दे इतने में तेरा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डिकुआ में, डिकुआ में हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, आपका 3 किलोमीटर ऊपर डोड़ाखाल से सैंडी करके एक जगह है, वहाँ पे थोड़ा अपना काम है तो जा रहे हैं। और हमारे साथ है पीछे गोलू। ये गोलू भैया को भी घुमा ले आते हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, स्कूल इन्होंने छोड़ दिया, जा नहीं रहे स्कूल ये, तो इनको भी हम घुमा ले आते हैं थोड़ा ड्यूक में। और चलते हैं फटाफट से आपका सैंडी पे। और यहाँ पे आपको एक ही बैम्बू गड़ा हुआ दिख रहा होगा, तो मेरे और गोलू भाई और एक दो बंदे और थे, हमारी मेहनत की है ये, हमने यहाँ पे बनाया था आपका एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट वगैरह करने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो अभी तो आजकल वो वाला माहौल हो नहीं पा रहा है रनिंग करने का, फिर जल्दी हम इस शेड्यूल में भी दोबारा से मिलेंगे आपको। तो अभी चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। गोलू कहाँ? इसको अभी हमको ले जाना है किसी के वहाँ, तो इसको रखने के लिए जा रहे हैं हम यहाँ से। और पहाड़ में अभी ये रोड की सुविधा है तो यहाँ पे सही लग रहा है। देखो रोड में हम इसको ऐसे ऐसे लुढ़का के भी ले जा सकते हैं, अगर ये गांव होता तो गांव में नहीं जा पाता, ये यहाँ सही है। ये ऐसे ज़्यादा लुढ़क जा रहे हैं, डाउन अपना न्यूट्रल है तो अपने आप जा रहे। देखो अरे रुक रुक गिरी भाई, भूख लग गई, कुछ खिला दो यार। गिरी भाई क्या घुगू तुकू नैना दुकान में बता हाई रे कस दुकान है, तो वहाँ घुगू तो नहीं आजकल, घुगू तो सयाने तो वहाँ घुगू तो नहीं आए बताओ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रानीखेत से, और टाइम देखो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल मतलब 6 बजने वाले हैं। और मेरे बैकग्राउंड पे आपको दिख रहा होगा अंधेरा भी हो चुका है। तो भाई साहब ऐसे लेट हो चुकी है आज आपका रानीखेत में, और अभी यहाँ पे है अपनी ड्यूक। अभी मैं चलता हूँ फटाफट से घर की ओर को। तो भाई साहब यहाँ पे अभी बनाया जा रहा है, क्या बना रहे हो भाई साहब? आलू।
की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी। और देखो भाई साहब, इस तरीके से खाना बनाने में जो स्वाद आता है भाई खाने का, वो आपको गैस में और फाइव स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। जो इस मतलब तरीके के खाने से वाकिफ है ना, उनको पता होता है कि भाई पहाड़ की लड़कियों ने लकड़ियों का जो स्वाद आता है तो क्या ही मजा आता है। देखो भाई साहब, एक बार ऊपर निकालो भाई साहब इसे, ये देखो भाई साहब आलू देखो कितने मस्त मस्त कट रहे हैं और खुशबू एक नंबर आ रही है इसकी। और बाहर का व्यू दिखाओ आपको एक बार, पैंटन ये देखो भाई साहब, जितनी जितनी आपको लाइटें दिख रही है ना दूर 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 को, एक मिनट ये देखो, ये सारे गांव हैं आपका, जहाँ जहाँ लाइटें हैं वहाँ गांव है, ये गांव है, उधर गांव है, ये गांव है, ये गांव है, ऐसे होता है पहाड़ों में, दूर दूर तक होते गांव, एक गांव ये है। तो जो हाँ, मैं अभी गया था आज व्लॉग बनाने काम से अपने रानीखेत, वो लास्ट जो एक लास्ट लाइट दिख रही है ना वाली बेल्ट के पीछे वाली साइड है, काम करना पड़ता है, घर वाले गाली दे रहे हैं, कुछ करने जो आवारा है ये भाई, रोज खाना बना रहा हूँ रात में घर पे। सब यहाँ पे बनाई जा रही है रोटी गर्मा गर्म, ऊपर इन्होंने बनाई थी आलू टमाटर मटर, आलू मटर की सब्जी है। एंड देन ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं रोटी बनाने, और रोटी बना रहे हैं बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रेश। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, घर वालों को खाना खिला देते हैं। ये स्क्रिप्टेड है भाई। कैसा लग रहा है भाई? ये ओरिजिनल है भाई, ये ओरिजिनल है। और जो आज का व्लॉग है बिल्कुल शॉर्ट बनाया है, क्योंकि आज काम ही ऐसा था, बिल्कुल मतलब घूमने वाला था तो बन नहीं पाया व्लॉग भी, थोड़ा मेरा पर्सनल काम भी था, इस वजह से आज मैं व्लॉग बना नहीं पाया पूरा। तो जो भी है जैसा भी है, कंसिस्टेंसी के लिए इतना डालना पड़ेगा मेरे को, और बाकी अच्छा लगेगा कुछ फीडबैक देना होगा आपको तो ज़रूर से उसको कमेंट डाउन करें। और यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।